चलो कैरी को जगह दो ना। क्यों नहीं दे रहे थे? पूरा प्रॉपर उसको आपने जगह देनी होती है। बड़ी गाड़ी आ रही है, नाइट पे जा रही है। जी सर। सही हो गया। ये लो, तीसरा लेना है। अब कौन सा लेना है? तीसरा लेना दूसरा ही है सर। सही है, दूसरे में जाना चाहते हो आप, ये कहना चाह रहे जी सर। हैं। आगे आपको छोटा सा मैं लेसन देता हूँ, चलते जाओ आप, रुक क्यों रहे हो? ये जो आगे ट्रैक्टर जा रहे हैं ना, जी सर, चलो इस ट्रैक्टर के बिल्कुल क्लोज आपने नहीं होना। बिल्कुल सर। क्यों बता सकते हो क्यों? सर जी, इसके जो टायर हैं वो तो होते बड़े हैं, तो बीच में कुछ लोग बोलते हैं टायर की वजह से टायर पे रखना हाँ, सही है। वो जो मैंने आइडिया आगे का दिया है थोड़ा ऐसा ही जाएंगे। जी सर। वो आपको बताया ना कि टायर छुपे तो आपने आगे छुपना नहीं चाहिए, ऐसा है ना? बिल्कुल सर। ये जिस तरह बड़ी गाड़ी है इसका टायर तो छुपता ही नहीं है। बिल्कुल सर। तो बेहतर है कि आप दोनों गाड़ियों के दरम्यान में रोड आपको नजर आना चाहिए, ठीक है ना? अब यहाँ पे आपके लिए एक जो आपकी समझ में बात की है वो ये है कि इस तरह की लोडेड गाड़ी जा रही हो ना। जी सर। तो इशारा नीचे करें, आपने अगर इसके पीछे चलना होगा ना तो फासला रखें, क्योंकि इसके ऊपर रेस दें हम निकल जाए। इसके ऊपर ये ईंटें जो पड़ी हुई थी ना, जी सर, वो अगर अचानक से आगे कोई गाड़ी आती है, फर्ज कर वो ब्रेक लेता तो ईंटें आपकी गाड़ी पर आके लगती, आपको नुकसान आपका हो सकता था, गाड़ी डैमेज हो जाती। इस वजह से इस तरह की लोडेड गाड़ी हो तो उसके बिल्कुल क्लोज रख के आपने ड्राइव नहीं करनी होती। बिल्कुल सर। थोड़ा डिस्टेंस रख के जाना होता है, ठीक है ना? जी सर। हाँ, वो बात कर रहे थे हम, वो जो आगे के आइडिए के हिसाब से दिया था। जी सर। वो कि टायर नहीं छुपना चाहिए, ऐसे ही है जी सर। तो साथ में मैंने एक चीज़ और भी ऐड की थी कि दोनों गाड़ियों के दरम्यान में रोड नहीं छुपना चाहिए। देखिए यहाँ पे वो टायर छुपने वाली बात थोड़ी सी गलत हो जाती है ना, क्योंकि बड़ी गाड़ी होगी, जिस तरह ये ट्रक था, ट्रैक्टर था, तो इसके टायर अगर आप पूरी गाड़ी उसमें घुस भी जाती ना तो टायर फिर भी छुपना नहीं था। जी सर। तो इस वजह से टायर वाला कुलिया नहीं, आपने दोनों गाड़ियों के दरम्यान में रोड छुपना नहीं चाहिए, वो आपने क्लियर करना होता है, ठीक है ना सर? तो गाड़ी लाइट क्यों दे रही थी आपको? कह रही थी मैं ओवरटेक के लिए जा रही हूँ, तो आप मुझे जगह दें, अपनी लाइन को मेंटेन रखें आप। जी सर। तो क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम बिलाल है। बिलाल, बिलाल क्या करते हो तुम? मैं स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर रहे हो? कहाँ पे स्टडी कर रहे हो? एम्स कॉलेज से डिप्लोमा कर रहा हूँ। एम्स कॉलेज में आप मेरे ख्याल से टेक्नीशियन का कोर्स कर रहे हैं, ऐसे ही कुछ? जी सर। अच्छा, दूसरा ये है कि बिलाल, बिलाल ही नाम है ना? जी सर। हाँ बिलाल, ये है कि कितने दिन हो गए आपके? मेरे साथ 20 दिन हो गए हैं। हो गए हैं जी सर। कंप्लीट हो गए हैं, ड्राइवर बन गए हैं जी सर, गाड़ी चला लोगे जी सर, लेकिन हालात बहुत कुछ सिखाएंगे। ये जो बातें मैंने अभी की हैं ये आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड थी, ठीक है ना? बिल्कुल सर। तो इस तरह की बातें जब आप अपने तौर पे जब गाड़ी चलाएंगे, आपके सामने आएंगी, आपको पता होगा मैंने फासला यहाँ इतना रखना है, क्योंकि आपको खतरा भी पता होगा ना कि ये खतरा है, इस वजह से मैंने ये फासला रख के जाना है, ठीक है? जी सर। बिलाल स्पेशल मेरे लिए दुआ करना यार। ओके सर। अल्लाह हाफिज़ जी। अल्लाह हाफिज़।